Hello students, in this session we will continue with exercise number 9.3, question number 8. XY is the line parallel to BC of triangle ABC. If BE is parallel to AC and CF is parallel to AB, show that area of ABE is equal to area of ACF. See, first of all we have a figure given over here जिसमें एक ट्राइंगल है ए बी सी. इस ट्राइंगल के अंदर एक्स वाई जो है वो एक लाइन है बी सी से पैरेलल. अब एक और लाइन है बी ई जो कि है ए सी से पैरेलल, और एक और लाइन है सी एफ जो कि है ए बी से पैरेलल. हमें ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी ई का एरिया, ट्राइंगल ए बी ई का एरिया और ट्राइंगल ए सी एफ का एरिया ये दोनों इक्वल है. दैट इज़ व्हाट वी हैव टू प्रूव. तो सबसे पहले तो ट्राइंगल ए बी ई कंसिडर करते हैं. ट्राइंगल ए बी ई और पैरेललोग्राम बी सी वाई ई, बी सी वाई ई और ए बी ई, दोनों में बी ई जो है वो कॉमन साइड है और दोनों ही फिगर बी ई और सी वाई पैरेलल लाइन के बीच में है. यानी कि ट्राइंगल ए बी ई का एरिया जो है वो सी बी वाई ई के एरिया से हाफ होना चाहिए. ठीक है, सो दैट्स व्हाट वी हैव रिटन ओवर हियर. ए बी ई और पैरेललोग्राम बी सी वाई ई दोनों सेम बेस बी ई के ऊपर है और पैरेलल बी ई और ए सी के बीच में है. दैट मीन्स दोनों का एरिया जो है वो हम कंपेयर कर सकते हैं. ए बी ई का एरिया बी सी वाई ई के एरिया से हो जाएगा हाफ. गॉट इट? सी दैट्स व्हाट वी हैव रिटन हियर. सिमिलरली ए सी एफ ट्राइंगल और बी सी एफ एक्स, बी सी एफ एक्स पैरेललोग्राम दोनों का बेस जो है वो सेम है सी एफ, और दोनों सी एफ और ए बी पैरेलल लाइन के बीच में है. That means ACF का एरिया BCF X के एरिया से हाफ होना चाहिए. So that's what we have written here. Also ACF triangle and BCF X parallelogram दोनों same base CF के ऊपर है और CF और AB parallel के बीच में है. That means ACF का एरिया BCF X के एरिया से होना चाहिए हाफ. Got the fact? अब B C Y E, B C F X, B C Y E parallelogram, B C F X parallelogram दोनों का बेस B C जो है वो सेम है और दोनों B C और E F parallel line के बीच में है. मतलब दोनों parallelogram का area होना चाहिए equal. So that's we have written over here. Parallelogram B C Y E and parallelogram B C F X सेम बेस बी सी के ऊपर है और बी सी और ई एफ पैरेलल लाइन के बीच में है. मतलब दोनों का एरिया होगा इक्वल. सो एरिया ऑफ बी सी वाई ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी सी एफ एक्स. मतलब के ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों में राइट हैंड साइड हो गए इक्वल, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे. Got it? So we can write area of triangle ABE is equal to area of triangle ACF. Got it?